पार्किंग जो है टेम्पररी पार्किंग दिया था चाचा गैरेज को, वहाँ पर उन लोग को पार्किंग करने नहीं दी जा रही है, क्यों बोले तो यहाँ पे पूरे बाइक्स वगैरह को पार्किंग दी जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे बाइक्स पार्क हो रहे हैं, ये ऑटो पार्किंग है, यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग करके या पूरे रोड ब्लॉक कर दे रहे हैं, और ऑटो रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बच्चों को ले आके लोडी सीटर में बुक करता हूँ वो करता हूँ बोल रहे। ये कोई नागेश्वर राव साहब है यहाँ पे, समझे आप, जवान है, उन्होंने बच्चों से बेतकल्लीफ है जो है गुफ्तगु कर रहे हैं और मारम पीटी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बैठो गाड़ी में बोल रहे हैं, और आपके जो है सो ले जाके लैंड ऑर्डर वालों को फोन करके बुला रहे हैं, तीन चालान, तीन 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 चालान बुक कर रहे हैं लोगों को, वो बोल से रहने नहीं दे रहे बच्चों को, ना जाए दे लोगों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं मेहनत करके खा रहे हैं अपना, किसी का ना जाए, अब दो चार दो पर कमाएंगे क्या, 650 रुपये का चालान बनेंगे, कैसा बोलिए आप। ये कौन पार्किंग अलॉट कर रहे थे साहब आपको? ये बाबूराव साहब दिए थे जो मीर चौक BSK आके उन्होंने देख के दिखा के पूरे पार्किंग अलाट करे थे, और जो टू व्हीलर का जो है जो पूरे काम के उसमें जो दुकाना है वो लोगों की गाड़ियाँ हैं, फिर ऑटो वाले कहाँ जाना बताइए। तो और यहाँ पे कितने चालानात कर रहे हैं आप लोगों को? एक एक गाड़ी पे 5,000, 7,000, 8,000, 15,000 के चालान किए, और एक ही जवान है बस दम कर रहा है पूरे बच्चों। क्यों दम कर रहा उन्हें? क्यों दम कर रहा उन्हें आप लोग? अच्छे हैं अब जरा कैसा भी कुछ गाड़ी पलटा है तो क्यों तो उनसे, अरे रोग इधर पलटा उधर पलटा, 2008 से गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सरकार साहब यहाँ पर आए थे चार मीनार के आगे, यहाँ पर जगह दिए थी ऑटो की, अब यहाँ पर रमजान के लिए लोगों शॉपिंग करने के लिए पार्किंग नहीं है, बोले यहाँ पर टू पार्किंग लगा के जा रहे हैं बाइकों की, ऑटो लगाओ लगाओ बोल रहे, कहाँ से लगाना ऑटो, 700 ऑटो है ये रोड पे, तालाब कट्टा, फिसल पंडा, चाचा गैरिज, संतोष नगर, पूरे गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी बोले कहाँ लगा, यहाँ लगाते ही फोटो मार रहे साहब, वो एक ही जवान है उसका नाम है नागेश्वर राव, ये जितने भी है ना एक एक गाड़ी पे 10,000 के चलाना है वो जवान के हाथ देखे, बिल्डिंग के ऊपर ड्यूटी नहीं करता, बिल्डिंग के ऊपर से लंच करने जा रहा, वहाँ से फोटो मार रहा, आज देखिए तेलुगु में गालियाँ दे रहा साहब, हमारे तेलुगु नहीं आती, तेलुगु में गालियाँ दे रहा ना, समझने भी नहीं आती, जितने भी आ रहे फोटो एक एक गाड़ी पे 8,000-9,000 के चलाना है वो एक जवान के, अभी अभी बात कर रहा हूँ मैं नमाज पढ़ के आके बात कर रहा हूँ तो गालियाँ दे रहा हूँ मेरे को, गालियाँ देखे बोल रहा है यहाँ से गाड़ी निकालते पहले बोल रहा है, मैं सफर कर रहा है ट्रैफिक जाम हो रही, हटा रहा मैं गाड़ी, हटा रहा हूँ बोलते 135 की फोटो, कल मारा 635 की फोटो, चलाना चक्कर मेरी अकेले की गाड़ी पे 15,000 के चलाना है वो एक जवान के हाथ से। अभी मैं मगरपुरा PS में कंप्लेंट कर रहा हूँ, अभी मैं मगरपुरा PS में कंप्लेंट कर रहा हूँ, मगरपुरा PS सर्कल साहब बोले मैं जाऊँ यहाँ पर चाइना PS को, मैं वो सर्कल को फोन कर रहा हूँ, बोले उन्होंने हमारे बोलते कि हम लोग फिर यहाँ पर आए PS सर्कल साहब बोले मैं बुला के उससे शाम में बात करता हूँ बोल के, बोले ड्यूटी खत्म होने के बाद उसको मैं बुलाता हूँ, बुला के बात करता हूँ बोल के, बोले जितने भी जवान है वो कोई जवान है हमारे नहीं है, पूरे जवानों को हम लोग कॉपरेट करते हैं, हम भी उन्होंने जवानों हमारे भी कॉपरेट करता, वो एक ही जवान है साहब, उसका नाम नागेश्वर राव है, उन्हें जवाना फोटो खींच रहा है, जितने भी ड्राइवर धरे हुए ना पूरे फोटो खींच रहे हैं, उनको गाली देके लात मार के फोटो खींच रहा है, आपको लात मारे जी बोलिए आप हुकूमत से कहा जा रहे हैं आप लगा सर्कल साहब बिठा के बात करके चाइमिनार PS में आके मतलब सर्कल साहब को बोले तो मैं सही को बुला के बोलता हूँ बोले, और मुंता साहब से गुजारिश है जरा ये बयान के लिए कुछ, वो एक जवान है साहब, वो एक जवान के वास्ते दूसरे जवानों को हम लोग किसी हाइट में प्रॉब्लम, अच्छे जवान समझते भाई जान दे रहे भाई कारोबार, दिन में 400-500 रुपये कर लिए तो बहुत जा रहे साहब, उसमें किराया घर का निकालते पूरे खत्म हो जा रहे हैं पैसे, फिर इफ्तार के बाद लॉकडाउन हो जा रहा है घरों में चले, इफ्तार के बाद तो लिख रहे हैं ऑटो ले लगे, अब दिन में करेंगे रोजों में बोले तो वो भी नहीं हो रहा साहब, वो एक जवान आते कि कोई कारोबार नहीं करा, देखो अभी ट्रैफिक जाम है, वो एक जवान के वास्ते पूरे जने गाड़ियाँ बंद कर दी साहब, नमाज पढ़ गई हम लोग आज देख लेना यहाँ पर जो भी ट्रैफिक जाम रह रही भाई उन्होंने तो वहाँ से ट्रैफिक जाम हो रही ना, हम लोग ऑटो वाले लेना बैठे हुए थे अंदर, अभी ऑटो लगा के गए वो कोसी की गाली गई।